बख्शिश की हुई माया वो विशाला उन्होंने दिता और आख्या सच्चे पातशाह मीरी पीरी के मालक गुरु अर्जन साहब महाराज जी आप जी की याद फरमा रहे हैं। उन्होंने महाराज वालों बख्शिश किया हुआ विशाला अपने मथे न ला के आख्या इस घर के पहले साहब गुरु साहबान साहब गुरु नानक देव महाराज जी ने साडे वड्डियां नूं माण दिता सी बाबा मरदाना जी साडे धन भाग ने कि उस गद्दी के छेवें पातशाह साहब गुरु अर्जन साहब महाराज जी साडी याद फरमा असी महाराज के दरबार में जाने तैयार। महाराज वालों बख्शिश की हुई माया परिवार के जिया देख के हजूर का बख्शाया कीमती विशाला उची थान से रख के वह माण करने का संदेश दे के घरवाल हाथी की अमारी सवार होकर भाई नथवल से अब्दुल खैर महाराज की हाजरी आए और हाथी तो उतर के दशनी ज्योड़ी लंघ के अकाल तख्त साहब सतपुरा के चरणों में आए। महाराज के चरणों में झुके तो मीरी पीरी के मालक गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने उठा के आख्या ढाडी सिखो तुहानू झुकण लई नहीं तुहानू लोगों के नीवे सिर उच्चे झुकण लई सद्दिया। तो महाराज ने कहा वीर असी वारा गाओ हजूर का हुक्म कर मनन करके ढाडी कला में निपुण जिहड़े जहांगीर पातशाह के दरबार में भी वारा गा के आए सन जिन्हां ने जहांगीर पातशाह का दरबार अपना नजरां नाल तकिया सी और उहदी शान विच भी कोई शब्द कहे होणगे अज महाराज का दरबार वेख के हजूर की अनोखी शान वेख के महाराज का तख्त वेख के सच्चे पातशाह के सैनापतियों नूं तक के उन्होंने महाराज के दरबार में हजूर के सत्कार वजों जिहड़ियां लाइनां कहियां वो अज उहदे समें विच भी ढाडी गाउंदे आ रहे ने। दो तलवारी बंधियां एक मीरी दी एक पीर दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी हिम्मत बाह कोटगढ़ दरवाजा बलक फकीर दी नाल शपाही नील लाल मार दुष्टा करे तगीर दी पग तेरी की जहगीर। वो जानते सन जहांगीर पातशाह बड़ा कट्ट मुसलमान है कल अजे पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तवी से बिठा के शहीद किया पातशाह के खिलाफ बोलने वाले कोलों एक पीड़ के दरबार दिता जाएगा। पर यह भी जानते सन महाराज की पवित्र बाणी का एक शब्द है सिंह सरण कत जाइए जो जंपक ग्रस है जिदा भाव है कि शेर की हाजरी खलोत्या भी गिदड़ के खा जाने का डर है फिर शेर की हाजरी नहीं जाने का की फल है। सोने के सुल्तान सच्चे पातशाह मीरी पीरी के मालक गुरु अर्जन साहब महाराज की हाजरी आके सानू जहांगीर पातशाह का कोई भय नहीं कोई खदशा नहीं असी निडर हो के महाराज की शान में वार गई है। वो वारा अजोके समय में भी ढाडी गाँवे आ रहे हैं फिर वारा का युग चलिया जदों महाराज जी की आग्या ढाडी सिंह वीर असी वारा गाया करते सन सिख फिर तलवारा के मुठिया से हाथ चले जाता से इतों तलवारा उठती सन इतों जंगा का आगाज होया और सच्चे पातशाह की अपार बख्शिश का सदका ढाडी सिंह जिते जंग लड़ी जाती सी जिहड़ा पासा हारदा जाता से उस पासे खलो के वार गाँवे सन और कमजोर धिर भी अपनी तलवार सूर के दुश्मन के गल पै जाते जिंदगी की बाजी ला के हारता हुआ पासा भी जितया जाता सी। तो महाराज ने बड़ा माण दे के इस कला में नवाजिया उस सच्चे पातशाह की पवित्र याद में आप साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हाजरी में जुड़ बैठे हो। मेरे तो पहला ज्ञानी कुलजीत सिंह जी दिलबर उन्होंने महाराज जी के अवतार बारे कुछ विचार आप जी साझे कीतिया ने जिस मजमून उत्ते बोलन का मैं हुक्म होया मैं बड़ा झुक चक रहा इस गल तो क्योंकि मैं अपने शब्दों थोड़ी सेवा हाजिर नहीं हो सकता जो कुछ अपने दीवान में आप जी साझा करना है वो सचखंड वासी ढाडी कला के महान पैगंबर ज्ञानी सोहण सिंह जी शीतल उन्होंने रचना तो डिगे टठे भोरे जोड़े वो लैके थोड़ी सेवा में हाजिर हो रहा हाँ और अपने पूज्या पिता ज्ञानी कुलवंत सिंह जी बी ए साहब उन्होंने रचना तो जोड़े शब्द निकलते रहे उन्होंने ही मैं आप जी की सेवा हाजिरी करने लिये दीदार की खुशी अंदर हाजिर होया हाँ। तो सारे तो पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश रही मन बिरतियों की एकाग्रता वास्ते आप जी तो शीस मंगते जी आग्या बख्शो सारी सिख संगत एक बार बिच गज के करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक मैं बेनती कर दवा भी जिहड़ियां वारा मीरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की हाजिरी में गाइया जाती सन कोई नमूना इस शाम के दीवान में आप जी की सेवा दर्ज किया जा रहा है। तो मैं हुक्म होया कि महाराज की चौथी जंग का वर्णन किया जा सके जी महाराज ने तुहाड़े इलाके में करतारपुर की पवित्र धरती से लगी साहब गुरु अर्जन साहब महाराज जी करतारपुर की धरती से ने महाराज शिकार खेड ही निकले जो वापस आए ना आलमपुर गिरदी पठाणा का एक पिंड है महाराज उसकी सत्त विचों की लंघ रहे सन घोड़े से सवार हो गए सच्चे पातशाह के मुबारक सरणा में किसी के रोण की आवाज पई बजुर्गों ने महाराज ने पूछा भी रोण वाला कौन है पिंड वाले बजुर्गों ने आख्या महाराज यदा नाम है पहले खान जवान है जतीम हो गया माई बाप वर्ग है को आसरा बाकी नहीं अपनी किस्मत से झूलता होया हो रहा है
साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तरस की मूर्त गरीबा सच पातशाह नोखे वजदे जा गए। महाराज घोड़े को थले उतरे उस पहले खाने कर चले। महाराज ने उन्हें बगलों में हाथ अड़ाया तो उठा लिया अपनी छाती ना ला के। हजूर ने आख्या वो पहले खान दुनिया भी जेदा कोई ना बने गुरु नानक का घर बन गया। पहले खान की होया ने तेरा माई बाप इस दुनिया तो चले गए, तैनू असी माई बाप वर्गा प्यार दे के पाड़ांगे। महाराज घोड़े से बिठा के करतारपुर की धरती से लै सच्चे पातशाह ने पालना पोषणा इस तरीके की। महाराज रात बदामा दिया गिरियां कूड़े भांडे में भिओंदे ने, सवेरे हत्थां नाल मसल के उहदे छिल्ला लाउंदे ने महाराज जी, फिर मिश्री ते मक्खण मिला के पहले खान नूं अपने लागे बिठा के महाराज ग्राहियां दे दे के उहनूं पाल रहे। इतिहास के पन्ने दसते जदों इह भरपूर जवानी विच हो गया, जदों इहदे अंग निखरे महाराज ने छोटे मीरे की मंगनी की। फिर जदों इहदा निकाह होया हजूर ने दो थैलियां सोने दीआं मोहरां दीआं भर के घोड़े ते रख लईआं। अगे अगे निकाह करवाउण वाला पहले खान बरात के रूप में जा रहा है। महाराज जी के उत्तों की सोने दीआं मोहरां की सुट करदिआं अहसास करा रहे ने कि पहले खान कि यह लागे। महाराज कहिंदे सन तैनू माई बाप वर्गा प्यार देवांगे कि सच्चे पातशाह जी सगा माई बाप हुंदा ते माया दी सुट ना करदा। इस करके महाराज ने दो थैलियां सोने दीआं मोहरां दीआं ते सिर उत्तों की सुट के उन्हों अहसास करा दिता कि सच्चे पातशाह तेरे नाल किन्ना प्यार करदा। इन्ना महाबली बना दिता महाराज ने चांदी के रुपये को अंगूठे की उंगली में मसल के उसकी मोहर बजा दिता। दो भिड़ते हुए साधा सिंघां को फड़ के पिछा कर दे और नेड़े नहीं सना सकते। किसी सवार को घोड़े तो सुमेत चौके एक थान तो दूजी थान पर लै जा सकता सी। पहले खान साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बड़े प्यार शिद्दत नाल पाल के जवान किया, कोई कमी बाकी नहीं रहन दी। पर विपड़ गया महाराज नाल छोटी जी गल तो जवाई उस्मान खान ने बाबा गुरदित्ता जी वाला बाज पकड़ लिया। महाराज ने दरबार में सद के पूछया तो विगड़ गया महाराज नाल झूठ बोल दिता। कहता सच्चे पातशाह बाज साडे घर विच नहीं। महाराज ने आख्या तो तुहाडा खंडा घोड़ा ते पिशाक दित्ती सी, कहा सी जदों ये साडे दरबार विच आउणा ये पहन के आउणा ते ना घोड़ा लैके आया ना पिशाक पहनी ना तुहाडा खंडा पहनिया। वह चीज़ा का जवाई उस्मान खान ने लै लिया सन। झूठ बोलता है कहता महाराज तुसीं जल्दी जल्दी बुलाया इसलिए छेती छेती आ गए। तो साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहन लगे फिर गुरदित्ता जी वाला पाक तेरे जवाई उस्मान खान ने फड़िया वो पहुँचा देना से। कहता महाराज मैं पता लग जाए से एक बार किहड़े बंदे ने हजूर का पाक फड़िया, उस बंदे बास में पकड़ के महाराज के चरणों में हाजिर करांगा। सच्चे पातशाह भुलेखा है मेरे जवाई उस्मान खान ने बाज नहीं पकड़िया, यह सरासर इल्जाम है। महाराज जी ने बिधि चंद जी को इशारा किया, वह पहले खान के घर गया। जवाई उस्मान खान आराम कर रहा है, किली से बधे हुए बाज की डोर खोल ली, घोड़े से काठी पा ली, दुतारा खंडा भी ला लिया, किली को पोशाक भी ला ली, महाराज के चरणों में लाके चीज़ा हाजिर कर दीं। साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या भी बाज आया कितों? कहिंदा महाराज ये तां मैनू कमजोर पाउण दा यतन किया जा रहा है, सिखां विचों मैं बलवान हाँ, आप ही बाज के दिल खा के रखिया सी। जदों महाराज की शान विच माड़ा बोलण लगा बाबा बिधि चंद साहब जी ने महाराज की आगा पा के दरबार विचों धक्के मार के बाहर कढ दिता। जवाई कोले जाके पिटिया, उन्हें आख्या 500 पठान अपनी बरादरी का इकट्ठा करके जलंधर दे लो, आप कुतुब खां कोले जाइए, फौजा लै के गुरु ते चढ़ाई करके गुरु नूं जित लईए, खजाना भी साडा अपना होएगा, गुरु का लुटता माल भी साडे कोल होएगा। सत्कार जो खरसा जी इतिहास के पन्ने दसते हैं ये अपने जवाई उस्मान खान से बरादरी के 500 पठाणा नूं नाल लैके कुतुब खां दे कोल गया। उन्हें जवाब भी आख्या कि महाराज नूं गिरफ्तार कर लेना, हजूर नूं जित लेना तेरे ते मेरे वस की बात नहीं, बादशाह की इमदाद लैनी पवेगी। उन्हें आख्या फिर साढ़े नाल चलो तो बादशाह ने दरबार में फरियाद कर दे। आगरे को चल के हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां लाहौर आया से, चले गए फरियाद कर ली। कई बार मौका मिलया पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह के प्यारे सिख बादशाह का वजीर सेना जिन्हें वजीर खान इन्हें कोई पेश ना जान दी। जदों वजीर खान काबुल वाले चले गए किसी काम, पहले खान को मौका मिल गया। ये बादशाह के दरबार में जिस सच्चे पातशाह ने पुत्रा वाग पाल के जवान किया सी ना, बावफा जो लोग थे बेवफा हो गए। जिस सच्चे पातशाह का यह बावफा वफादार बन के हर सेवा में हाजिर रहता सी, बाज के मुठ खंभा तो लालच में आया होया अपने पालन हारे मेरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के खिलाफ हिंदुस्तान के पातशाह के दरबार में शिकायत कर रहा है। ढाडी कला के पैगंबर ज्ञानी सोहण सिंह जी सीतल उन्होंने कलम तो लिखा है लगना आप जी की सेवा दर्ज किए जा रहे हैं। सरवण करना भी वो हाजिर शाह जहान दे क्यों पहले क्या